फ्रेंड्स, पी थ्री विद द ग्रेट में आपका स्वागत है। पापा ने कढ़ाई पनीर बनाया, मेरा मन कर रहा था और पापा ने मुझे टेस्ट करने के लिए दिया खट्टा मीठा कढ़ाई पनीर। चलो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसे। फ्रेंड्स, कढ़ाई पनीर अच्छा बना है और खट्टा मीठा हो रहा है। थोड़ा हल्का फीका इलायची का भी स्वाद आ रहा है और जैसा मुझे पसंद है वैसी है। देखो, आप भी अपने घर में ये ट्राई करना, मज़ेदार है, बिल्कुल भी मीठे से मुझे पसंद है। चलो देखते हैं पापा ने कैसे बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में क्लिक करना। बाय बाय। हेलो फ्रेंड, पी थ्री वी द ग्रेट में आपका स्वागत है। आपका अपना राजेंद्र सिंह नेगी आज एक नए तरीके से खट्टा मीठा शाही पनीर बनाते हुए। आज प्रीत ने बोला कि पापा मुझे अलग तरीके का खट्टा मीठा कम मिर्च वाला पनीर बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज सबसे पहले वही हमने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल कढ़ाई में। अब ये गर्म हो चुका है, इसके बाद हमने इसमें जीरा डाला है। अब आप देखते रहिए इसका प्रोसेस कि हम कैसे बना रहे हैं। सिंपल सोबर ये हमने मिक्सी कर ली थी पहले प्याज को, तो ये प्याज अब डाल रहे हैं। अब ये प्याज हमने डाल दिया और इसको हल्का ब्राउन होने तक 2-4-5 मिनट इसको ऐसे ही चलाएंगे। और इसके इन बिटवीन हमने टमाटर को भी मिक्सी कर लिया था और अपने सारे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च हल्की सी, नमक उमक सबको मिला के कटोरी में पानी के साथ अच्छे से बना के तैयार करके रख दिया है। अब ये हल्के हल्के से जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम उसको डालेंगे। इसको हम 5-7 मिनट ऐसे ही चला रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें और बिल्कुल सिंपल सोबर खट्टा मीठा इलायचीदार कढ़ाई पनीर बनाया जा रहा है। अब ये देखिए हमने पूरे मसाले वसाले सब इसे मिला दिए थे पहले ही और पानी में अच्छे से मिला के कि ये जले ना। अब इसको हम डाल रहे हैं, ये हमने अच्छे से डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे 2-3-4 मिनट। जब ये थोड़ा बहुत थोड़ा तेल हल्का सा ऊपर आ जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद हम जो हमारी टमाटर की मिक्सी की हुई ग्रेवी वो है उसको डाल देंगे। अब ये देखो हल्का हल्का सा 2-3 मिनट के बाद पर हो गया, तो हम ये टमाटर डाल रहे हैं जो मिक्सी किए हुए हैं। अब इसको भी हम 5-10 मिनट ऐसे ही मिला के अच्छे से चलाएंगे, जब उनको अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये और तेल थोड़ा ऊपर ऊपर आ जाएगा। आप देखते रहिए खट्टा मीठा इलायची वाला कढ़ाई पनीर। प्रीत ने बोला पापा आज पनीर कुछ अलग टाइप का बनाना, लेकिन उन आपको पता ही है अभी हम जैसे कि टॉप्स थोड़ा बहुत ही खट्टा मीठा करने के लिए पनीर में आप ये टॉप्स टमाटर टॉप्स जरूर डालें, इससे पनीर का स्वाद और अच्छा हो जाता है, खट्टा मीठा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जो स्पाइसी खाते हैं लोग वो बेशक ना डालें, लेकिन बच्चों के लिए ये जो आज बनाया जा रहा है सिर्फ प्रीत के लिए बनाया जा रहा है ऑन डिमांड। वैसे तो मुझे तो तीखा पसंद है, लेकिन प्रीत और प्रीत की मम्मी को और उसकी दादी को किसी को पसंद ही, देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने जो टमाटर वमाटर जो भी डाले थे इसका सारा का सारा करके थोड़ा इसमें पानी मिला के सारा मस्त जो भी बचा था उसको डाल रहे हैं। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें जितना आपको चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के अभी 15 मिनट तक इसको हम तेज आँच में उबालने देते हैं। जब इसमें 2-3 बार उबाल आ जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसमें हमने ये इलायची का जो पाउडर है थोड़ा सा उसको भी थोड़ा खुशबू के लिए इसे डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा कड़वापन आ जाता है, हल्का सा डालिए जो थोड़ा इलायची का भी खुशबू आ जाए और हमारा पनीर थोड़ा अलग टाइप का बने। और इसमें 1-2 मिनट और अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। अभी 1-2 बार उबाल आ चुका है और हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती जा रही है। अब इसको हम थोड़ा सा लो करके इसमें पनीर डालेंगे। अभी हमने पनीर डाल के इसको अच्छे से इसमें मिला देते हैं और 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। और ये हमारा पनीर 99% बन चुका है। उसके बाद आपको जितना भी इसके ऊपर मक्खन डालना हो अपने हिसाब से वो डाल सकते हैं। अब इसको हम 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देते हैं।
जिसमें पनीर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा मसालों में। और ये हमारा पनीर बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम अमूल का, आपको जितना भी हल्का सा मक्खन डालेंगे, ज़्यादा मक्खन नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी मम्मी को भी खाना है और मम्मी के लिए बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा तला हुआ मक्खन उक्खन सही नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए मक्खन डाल के थोड़ा अच्छा स्वाद सा आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इसमें मक्खन डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये हमारा पनीर, कढ़ाई पनीर, खट्टा मीठा इलायचीदार कढ़ाई पनीर बनके हमारा तैयार हो चुका है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में एक बार ट्राई कीजिए। बच्चों को बहुत मज़ा आ जाएगा इसको खाने के लिए। बाय 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 बाय।